नमस्कार दोस्तों, आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया और अब इसमें अलसी डाल देती हूँ और तिल भी डाल देती हूँ। दोनों को डाल के थोड़ा भूनूंगी कलर चेंज होने तक। ये देखिए भून चुका है, इसी कलर का मुझे चाहिए। मैंने मीडियम गैस पे भून लिया, गैस बंद कर देती हूँ। इसे हम निकाल लेते हैं। जिस चावल को मैंने धोया था वो चावल भी भूनेंगे। इसे भी मैं डाल दे रही हूँ और गैस को तेज कर दिया और इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया चावल का और गैस मैंने बंद कर दिया। अब इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, उसके बाद मिक्सी में इसे पीस लेंगे। अब कढ़ाई चढ़ाया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ा सा घी एक चम्मच के करीब। फिर इसमें गुड़ डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से पिघलाएंगे, उबलने देंगे और ये गुड़ पिघल गया। थोड़ा सा एक सेकेंड उबाला मैंने और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया। मैं ऑफ भी कर देती हूँ इसको और इसमें तिल डाल देते हैं और अलसी। फिर ये चावल का आटा जो मैंने पीसा था वो मैं डाल दे रही हूँ। इसे मिला करके ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म होना चाहिए। अब चलिए इसका लड्डू बना लेते हैं। जिस साइज का आप बनाना चाहें उस साइज का बना लें। मैंने सारा लड्डू बना लिया दोस्तों और ये बहुत हेल्दी लड्डू है। इसे खाइए, बनाइए और इंजॉय कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।